त्रिवेदी हो। ये मेरा की खबर है जहाँ गुरुद्वारा से महोबा रोड पे कि जहाँ गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा एक विशाल जुलूस निकालो जा रहा है आज, तो हम आपका पूरी जानकारी पहुंचा रहे, आप तक जो जानकारी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम भेज रहे हैं। और आज काय के विषय में जुलूस, आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिवस मना रहे हैं, जिसने अपना सर्वंश दान देकर इस भारतीय सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की रक्षा की। ठीक है, इसके साथ साथ शोभा यात्रा निकलेगी। सुबह अभी लंगर चल रहा है, 3 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं। बाहर से आए रागी जत्थे और प्रचारक गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में वो बता रहे हैं और सारी संगत सुनकर धन्य हो रही है। तो भैया गुरु गोविंद सिंह जी, जैसो कि आप जानते ही हो कि इतनी बड़ी कुर्बानी और कुर्बानी से भरो इतिहास, लेकिन धर्म परिवर्तन ने आज पूरी दुनिया में जो सम्मान गुरु गोविंद सिंह जी को है, वो शायद है कि कोई ऐसा हो, ऐसी प्रेरणा, ऐसा संदेश शायद को उन्हें दौ हो। आप कछु कहो चाहो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जो सर्वंश दान कर दिया, लेकिन इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को जो बचाने वाले हैं वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हैं, और उनकी कुर्बानी हमेशा ही याद रहेगी, उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये देश जो है ये केवल दशमेश का सदका ही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भैया जो तो मालूम है पूरी दुनिया जाने थे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, उम्र जिनकी 6 साल 9 साल से लगा के 15 साल, और कैसी कुर्बानी, और कुर्बानी को इतिहास सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लाने, धर्म बचावे के लाने, कि हमें अपने धर्म की रक्षा कैसे करने, हमें अपना धर्म कैसे बचाने हैं, और धर्म बचावे के लाने कितनी बड़ी कुर्बानी गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है। देखो जा सकते हैं कि इसके बाद बहुत विशाल यात्रा निकाली जो है, शोभा यात्रा निकाली जो है, कहते से शुरुआत हो रही है। देखो आप, हम आपका देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारा में महोबा रोड पे स्थित जो गुरुद्वारा, बहुत ही विशाल सजावट करी गई है, बहुत ही सुंदर झांकी सजाई गई है, और आप देख सकते हो तैयार अरदास चल रही, कीर्तन चल रही है, और जो हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद इतने से अब लंगर चल रहा है, हम आपका लंगर की भी प्रस्तुति विशेष तौर पे दिखा भी, और इतने आप देख सकते हो कि सब्र श्रद्धालु गुरु गोविंद सिंह जी के मानवे वाले, चाहे वाले सभी जने, बच्चा बुजुर्ग से लगा के जितने समुदाय, सिख समुदाय से, सिंधी समुदाय से भैया, सभी लोग इतने पे एकत्रित भाए हैं, और जो केवल एक संदेश आज गुरु गोविंद सिंह जी को जन्मदिवस मनाओ जा रहा है, और एक संदेश जो उनने दौ है समाज के लाने, देश के लाने जो कुर्बानी दई है, और एक संदेश सबसे बड़ा संदेश के अपने धर्म का बचावे के लाने कैसे कुर्बानी दई उन, छोटी छोटी उम्र में बच्चन की कुर्बानी हो रही, उनने कुर्बानी सामने अपने बच्चन की कुर्बानी दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, तो गुरु गोविंद सिंह जी को इतिहास कुर्बानियन से भरो कछु कहबो चाहो आज गुरु गोविंद सिंह जी के। हम बब्बू भैया अध्यक्ष जी का बुला रहे हैं, तो आप तो भैया जो है, अबे देखो लंगर चलो, हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से लंगर दिखवा रहे, और लंगर को आयोजन विशेष तौर पे करो जाते, बहुत विशाल आयोजन होते थे पे, भंडारा जी का अपन बोला थे लेकिन पंजाबी भाषा में लंगर बोला थे, तो हम आपका वो भी प्रस्तुति दिखवा रहे हैं कि वो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचावे को प्रयास कर रहे हैं कि लंगर चल रहे हो, लंगर यशो चला थे, इसमें भैया सभी जने, सभी धर्म के लोग हाजिर होते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी को एक संदेश, गुरु गोविंद सिंह जी से एक प्रेरणा जो मिली है अपने धर्म का बचावे के लाने, अपने धर्म के लाने हमें क्या करो चाहिए। देखो लंगर विशाल लंगर, और हर साल ऐसे ही लंगर को आयोजन करो जाते, वैसे तो भैया लगभग लगभग लंगर ऐसे चलते ही रहा थे। सिख समाज के द्वारा भैया बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में दो शब्द कछु बोलो। आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जो आप सभी नगरवासी, शहरवासी और दूर दूर से सारे आए हैं दर्शन करने। गुरु गोविंद सिंह जी ने त्याग दिया था अपने बच्चों का, वो गुरु गोविंद सिंह जी कोई नहीं भूल सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, घर बैठ के दर्शन करें, जिससे उनको आशीर्वाद मिले गुरु गोविंद सिंह जी का, और गुरु गोविंद सिंह जैसे ही बच्चे बने शहर के, क्योंकि कल को अगर कुछ भी हो तो गुरु गोविंद सिंह जी की तलवारें लेके हर बच्चा घर घर से निकल सकता है।
इतनी तक शक्ति देना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी की। जो है भैया, गुरु गोविंद सिंह जी को इतिहास कुर्बानियन से भरो है कि 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में जैसे उन्हें अपने बचन का अपने सामने दीवार पर चुनत देखो, लेकिन एक हिंदू धर्म की रक्षा के रण जो हकीकत है भैया कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज हिंदू धर्म ना होते, काहे सिर्फ दबाव होते तो केवल जो है तो देखो लंगर, हम आपका लंगर भी दिखा देते, विशेष लंगर इतने पे चलाओ जाते भैया। आज हाँ हाँ आज आज प्रकाश पर्व मनाओ जा रहे हो गुरु गोविंद सिंह जी को, वही उमें जो लंगर चल रहा है, लंगर तो वैसे हर उमें चलता ही रात भैया के पे हमेशा जो आयोजन होते, लंगर की हमने आपका प्रस्तुति दिखाई लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम जो प्रयास कर रहे हैं, और सिर्फ इनको संदेश एक यही है और इसमें सभी धर्म के, एक धर्म नहीं भैया सभी धर्म के, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज हिंदू धर्म ना हो, तो हकीकत जाए हिंदू धर्म का अगर बचावे की को ने कोशिश करियो जिन्हें बचाओ बेहद गुरु गोविंद सिंह जी। आज वही प्रकाश पर्व मनाओ जा रहा है, वही प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जो लंगर को आयोजन करो गए है और विशाल लंगर, और भैया इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकले है, शोभा यात्रा इतने से होत भय गुरुद्वारा से होत भय और पूरे शहर को भ्रमण कर है और भ्रमण करके लौट के इतने पे आए। आज का कहो कछु कहो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, प्रकाश पर्व आज मनाओ जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी को, तो भैया हम प्रयास तो यही करें, हाँ आज गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकाश पर्व मनाओ जा रहा हो, कुर्बानियन से भरो उनको इतिहास की जिनने 6 साल और 9 साल के बच्चन का जिंदा चुनत देखो, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा अगर करी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी। आपका क्या बोलता हुआ आज हम सब गुरुद्वारे में गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, और सभी सिख धर्म नहीं हर धर्म जाति का वर्ग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सभी एक भाव एक साथ होकर सब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। बस अब लंगर चल रहा है और हमारी सभी जिला महिला मोर्चा, भाजपा, मतलब सभी कांग्रेस, सभी एकजुट होकर एक साथ सब अपना गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, और बस अभी शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है। आज अगर हिंदू धर्म सुरक्षित है और हिंदू धर्म बचो है तो वो बचो गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियन के द्वारा, जो उन्हें कुर्बानी दी है। का संदेश देवो चाहो आप समाज के लाने, देश के लाने, अपने शहर के लाने? हम अपने शहर के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जो उन्होंने कुर्बानी दी है वो खाली नहीं जानी चाहिए, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए और सबको समान, एक धर्म जाति का भेदभाव ना करके एक समान रूप से उसको आगे तक बढ़ाना और मिलजुल कर यह उत्सव मनाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी को। इतिहास भैया हम जैसो कि बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कुर्बानियन से भरो इतिहास है और धर्म की रक्षा के लाने उन्हें कुर्बानी दी, अपने बच्चन की कुर्बानी दी, धर्म बचावे के लाने कुर्बानी दी, और बुंदेली चुगली को जो दायित्व तो बने थे भैया शोभा यात्रा भी निकाले, शोभा यात्रा बहुत विशाल शोभा यात्रा है तैसे निकाली जे है और पूरे शहर को भ्रमण कर तो भय जब शोभा यात्रा लौट के गुरुद्वारे में फिर से आ है। अब बुंदेली चुगली की जब भैया लाइव प्रस्तुति हमें तभी समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया हरो राम राम।
त्रिवेदी। ये मेरा की खबर है जहाँ गुरुद्वारा से महोबा रोड पे